हाय गैस, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था वैभव लक्ष्मी व्रत की, जिसमें पूजन विधि वगैरह आप लोग के साथ शेयर की थी। तो उस पूजा में मैंने एक लुक क्रिएट किया था। ये है पूजा लुक। अगर घर में पूजा है तो आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो स्किन केयर है वो पहले फॉलो कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे की सीसी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं क्या बता रही थी कि जो पूजा लुक है ना, एक्चुअली आप सोच रहे होगे कि यार ये पूजा लुक क्या है। यार पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन पूजा में एक बहुत ज़रूरी होता है कि आप शादीशुदा हैं या और आप अनमैरिड भी हैं, तो आपको हमेशा भगवान के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट रखना चाहिए। ये मेरे मन की बात है कि मुझे लगता है कि हाँ, भगवान के सामने जैसे हम जिससे हमें प्यार करते हैं, जिससे हम दिल से जिसको चाहते हैं, उसके लिए हमेशा तैयार रह उसके सामने तैयार रहना, उसको सज संवर के दिखाना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भगवान को भी आपका सजना संवरना, आपका मुस्कुराना, आपका इठलाना अच्छा लगता है। तो जब भी पूजा करें तो अपने आप को अच्छे से ज़रूर तैयार करें। मैं हमेशा करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। अब मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर कॉम्पैक्ट। बहुत जल्दी जल्दी आपको वीडियो शेयर करूँगी, बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, कोशिश तो मेरी यही रहेगी। तो मैंने यहाँ पर शुगर का कॉम्पैक्ट ट्राई किया है, मतलब अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने ब्लश अप्लाई किया। ये है माइक ग्लैम का, मेरा फेवरेट ब्लश जो टूट गया है। बहुत बार आपको कहानी बता चुकी हूँ ये कैसे टूटा है, इस बार नहीं बताऊँगी। ब्लश अप्लाई करने के बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है, जो है मैबेलिन न्यूयॉर्क का। ये हाइलाइटर भी मुझे बहुत पसंद है। आई मेकअप में मैंने केवल काजल और मस्कारा ही अप्लाई किया था। मैं अपना लुक सिंपल और बहुत क्यूट रखना चाहती थी। इसके बाद मैंने डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर एंड रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई की थी। और ये प्यारी सी छोटी सी रेड कलर की बिंदी ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लुक में। बिंदी के साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिंदूर अप्लाई करना। तो मैं यहाँ पे लिक्विड सिंदूर अप्लाई करूँगी, साथ ही पाउडर सिंदूर भी अप्लाई करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से कंघी करूँगी, साथ ही जो अपना लुक है मैं उसे चेंज करूँगी, यानी कपड़े भी चेंज करूँगी। तो मैंने चेंज कर लिया है, ये रेड कलर का लहंगा पहना है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, जो मुझे ठंड सी लग रही है। तो जल्दी जल्दी से अपने बालों को सेट कर लूँ, फिर उसके बाद दुपट्टा जो है वो कैरी करती हूँ। तो चलो बालों को सेट कर। ये बीच की मांग निकालना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मांग बहुत मुश्किल से निकलती है। मांग निकालने के बाद मैं सिंदूर अप्लाई कर रही हूँ। ये मैरून कलर का पाउडर सिंदूर है। सिंदूर की डिब्बी नीचे मत रखिएगा, मैं भूल गई थी, हमेशा हाथ में लेकर अप्लाई की जाती है। और इसके बाद मैंने लिक्विड सिंदूर लगाया है, जो है लोटस का रेड कलर का सिंदूर, जिससे सिंदूर बहता नहीं है, पाउडर सिंदूर। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने सिंपल सी एक पोनी चोटी बनाई। पोनी चोटी बनाकर मैंने एक जूड़ा बना लिया, ठीक है, कोई बन नहीं लगाया, सिंपल सा ऐसे जूड़ा हम लोग घर में बनाते हैं ना, वैसे जूड़ा बना लिया और अच्छे से जूड़ा पिन से इसे टक कर दिया ताकि ये खुले ना, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ना रेड कलर के फ्लावर पड़े हैं, क्योंकि मैंने शादी में जो हेयर स्टाइल बनाया था उसमें रेड कलर के फ्लावर अप्लाई किए थे, मैंने लगाए थे, तो मैंने बस उसी को लगा लिया है। और ये मेरा जो हेयर स्टाइल है वो बनकर तैयार हो गया, बहुत ही सिंपल है। और ना इस हेयर स्टाइल को बनाने के बाद बहुत दिक्कत नहीं होती कि आपके बाल इधर निकलने उधर निकलने, आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। सिर्फ मेकअप करना भी तैयार होना नहीं होता कि हेयर स्टाइल बना लिया और मेकअप कर लिया। मेकअप करने के बाद आपकी जो ड्रेस है उसे भी अच्छे से आप पहन लीजिए, कैरी कर लीजिए, जैसे मैंने लहंगा कैरी किया। और उसके बाद अपनी चूड़ियों को बिल्कुल ना भूलें, और जो भी आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है, ठीक है, मंगलसूत्र है, मांग टीका है, उसे ज़रूर आप पहने। लोगों की आदत होती है ना कि व्रत त्यौहार में भी अपनी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो पहन लेते हैं। यार गोल्ड किस दिन काम आएगा, तो जो भी आपके पास गोल्ड है थोड़ा बहुत गोल्ड ज़रूर पहनना चाहिए। और वैभव लक्ष्मी व्रत में मुझे लगता है क्योंकि सोने की पूजा है तो जाहिर सी बात सोना ज़रूर हमें पहनना चाहिए, और तो आप सोना ज़रूर पहने जो भी आपके पास सोने की चीज़ है। और इसी के साथ मैं बिल्कुल तैयार हो गई लुक। मैं ये लुक करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सिंपल है, और इस ये लुक आप कभी भी कर सकते हो। सिंपल रहना चाहते हो करवा चौथ या फिर तीज पर, तब भी आप ये लुक कैरी कर सकते हो। आई होप ये लुक बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और बहुत ज़्यादा देर हो रही है तो चलो पूजा करते हैं, क्योंकि 5:30 बज गए हैं और मुझे पूजा करनी चाहिए, इस टाइम पूजा होती है। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लव यू ऑल। जय बॉम्बे, वैभव लक्ष्मी, जय माता दी।